रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सही। रायबरेली DIOS को मिली जान से मारने की धमकी। DIOS चंद्रशेखर मालवीय को अज्ञात लोगों ने दी जान से मारने की धमकी। बीती रात फील्ड हॉस्टल स्थित आवास पर जाकर घर के बाहर से दी जान से मारने की धमकी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर की सुरक्षा व्यवस्था की मांग। आइए जानते हैं क्या कहा चंद्रशेखर मालवीय DIOS रायबरेली व रायबरेली ASP विश्वजीत श्रीवास्तव ने। और अभी कलेक्ट्रेट में कई शासकीय कार्य थे, उसी में मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। और अभी मैंने आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है। कल रात में 21:44 पर मेरे सरकारी आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने, गुंडों ने मेरे गेट पर काफ़ी प्रहार किया, उसे तोड़ने की कोशिश की, धमकियां दी जान से मारने के लिए। और जब मैंने उनसे पीछा की तो उन्होंने कहा कि खोलिए तो अभी मैं आपको सुला देता हूँ, और बहुत सारी बातें कहें जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता। और इसी संदर्भ में आज मैंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की है। उनका आश्वासन था कि शासकीय कार्य में जो भी बाधा होगी उसको नियमों की परिधि में उनके द्वारा दूर किया जाए। और सुरक्षा किसी पर शंका है आपको? जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस जनपद में 2 वर्ष हो गए हैं, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मन मानता हो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, एक विद्यालय का आंशिक चुनाव अध्यक्ष पद का होना था। मुझे ऐसी संभावना है, ऐसा संकेत भी है कि ऐसे लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई को, अपने प्रतिष्ठा को लेकर के हान पहुँचाने की कोशिश कर सकते। निरीक्षक ने एप्लीकेशन दिया है आपको कि उनको जान से मारने की धमकी मिली? हाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक जो यहाँ चंद्रशेखर मालवीय जी हैं, उन्होंने आज एक दरखास्त दी है कि कल रात में उनके घर पे कुछ अराजक तत्व आए और उनके साथ अभद्रता की, और इस संबंध में उन्होंने इस बात की मांग की है कि इसकी जांच करा के कार्रवाई की जाए। और उन्होंने एक कॉलेज प्रबंधन पे भी आरोप लगाया है कि उनको शक है कि ये लोग उन्हीं के द्वारा भेजे गए होते हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर को जांच दे दी गई है और जो भी जांच से क्लियर होगा उससे आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या सुरक्षा की मांग भी किया है क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में सुरक्षा की भी मांग की गई है। वो संबंधित क्षेत्राधिकारी जो नगर हैं उनसे जाँच कराई जा रही है, और वो जाँच होने के बाद जैसा भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।